मैं सबसे पहले साबिक वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वक्ताज रहनुमा जनाब यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत की तरफ से हर किस्म के रुकावट पैदा करने के बावजूद ये अजीम शान जलसे आम मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर कोरोना से किसी को खतरा होता ये झंडे पीछे कर रहे हैं, ये सामने सारे कैमरा पीछे हैं आपके, ये सारे झंडे जो सामने हैं ये मेहरबानी करके नीचे करें, जरा नीचे कर रहे सारे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये पीपल्स पीवाईओ के नौजवानों और पीएसएफ के सपाट वालों से कि ये झंडे नीचे करें, क्योंकि ये सारा कैमरा रुक चुके हैं, ये नीचे कर रहे। मेहरबानी करें ये पीआईओ जैकबाबाद वाला झंडा भी नीचे करें। मोहतरम दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर कोरोना फैलाने के हवाले से किसी को गिरफ्तार करना था तो वजीर आजम साहब, सिलेक्टेड वजीर आजम साहब सबसे पहले अपने वज्रा को गिरफ्तार करता। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, सदर पीडीएम हम उनको वेलकम करते हैं स्टेज के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की नाइब और आला तरीन हुकूमत है, जिसकी न कोई स्ट्रेंथ है न कोई विजन है। जिस शोबे की भी तरफ देखो, सवाल जवाब के, सवाल जमीन के, कुछ भी नजर नहीं आता। आवाम खाने पीने की चीजें खरीद नहीं सकते, तजारती कारोबारी सरगर्मियां रोकने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई वबा की तरह टल रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क के सड़कों पर शौनिज्म और खासियत भी दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। मुल्क के तीन बार वजीर आजम बनने वाले मियां नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी है। सच बोलने और सच लिखने वाले साथ ही अपने कापस का शिकार है, इनको जान का भी खतरा है और रोजगार का भी खतरा है। अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि काजी फाज जीसा जैसे ईमानदार और लायक जज भी अदने का उसका शिकार है। इनके खिलाफ दायर की जाने वाली रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी अपील करार दिया। मोहतरम दोस्तों,
चूंकि वक्त भी कम है, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पीजीएम की सारी लीडरशिप यहां पे मौजूद है, पीजीएम की इस सैनिक बहाली जमहूरियत में एक नई जान पैदा करने के लिए, इसमें एक नया जोश वाला पैदा करने के लिए जरूरी है कि उन 14 लौटे सेनेटर्स को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने अहम करदार अदा किया। मुख्तलिफ जमातों ने इस जमीन में तहकीकती कमेटियां बनाई, लेकिन ताहर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सका। हालांकि पार्लियामेंट हाउस का एक आम भी मुलाजिम जानता है कि वो कौन कौन से सेनेटर्स थे जिन्होंने वफादारियां बदल की और लोटे बने, और इन लोटों को सजा इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी आजमाइश के मौके पर ये फिर अपना मुंह काला करेंगे। मैं आखिर में पीपल्स पार्टी के कायदीन को, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उनकी यौम तासीस पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं, और हमारी ख्वाहिश है उनके हमसे शऊर और बाशऊर शहरी की ख्वाहिश है कि बड़ी जमायतें हों या छोटी जमायतें, कॉम्पलेक्स जमायतें हों या मजहबी जमायतें, सब मिलकर हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।